पेट्रोल पंप कारोबारी पर 6 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में 5 करोड़ की फिरौती मामले में अजमेर पुलिस ने पंजाब से 2 सुपारी किलर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों आरोपी लॉरेंस गिरोह से जुड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में यह वारदात हुई थी, तब पुलिस ने पंजाब जेल में बंद कुख्यात बदमाश भूपेंद्र खरवा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। गिरोह ने इसके बाद भी पेट्रोल पंप कारोबारी को धमकियां दी और पिछले दिनों पंजाब से 2 सुपारी किलर कपिल देव और मनप्रीत सिंह अजमेर आए, साथ ही फिर से रेकी कर धमकियां देना शुरू किया। पुलिस ने इस मामले में पंजाब पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह का मास्टरमाइंड मलेशिया में बैठकर यह सब कराता रहा है। पेट्रोल पंप पे 6 राउंड फायर किए गए थे, जिससे पहले रैंसम मांगा गया था नमन गर्ग, जो गुजराती पेट्रोल पंप के ओनर हैं, उनके द्वारा। उस केस में हमने 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी सेंट्रल जेल में हैं। परंतु इसका जो मास्टरमाइंड था, 2 जने, भूपेंद्र खरवा जो अभी पंजाब में हैं जेल में, और सुनील कुमार जो मलेशिया में हैं, गंगानगर के रहने वाले हैं पर वो मलेशिया से ही ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने, क्योंकि ये पकड़े गए थे।